फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आज आप लोगों को क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स का तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करेंगे और देखेंगे कि कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कैसे किया जाता है और इनके हल करने की कितने विधियां हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग कितने विधि से हल कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग, आइए टॉपिक्स पर। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल करने की विधि। तो देखते हैं बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल करने के निम्नलिखित तीन विधि होते हैं। नंबर एक होता है प्रतिस्थापन विधि। दूसरा होता है बच्चे विलोपन विधि। और तीसरा होता है ब्रज गुणनखंड विधि। तो देखते हैं बच्चों, बताए हैं आप लोगों को कि कोई भी दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होंगे उन समीकरणों के हल करने की तीन विधि होते हैं। नंबर एक प्रतिस्थापन विधि, नंबर दो विलोपन विधि और नंबर तीन आता है ब्रज गुणनखंड विधि। तो आइए बच्चों, आपको एक एग्जाम्पल के आधार पर हम आपको इन विधियों के बारे में उल्लेख करेंगे कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम प्रतिस्थापन, विलोपन और ब्रज गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे। तो आज हम सबसे पहले आप लोगों के सामने एक दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हम लोग कैसे बनाते हैं। बच्चों, बोर्ड परीक्षा में जो पूछे आते हैं प्रश्न, उन प्रश्नों में केवल ये दिए जाते हैं कि दिए गए समीकरणों का हल करें। आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो देखते हैं और बात करते हैं, एक एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन है समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 तथा 4x प्लस 5y इक्वल टू 3 का हल करें। तो बच्चों देखते हैं, यह समीकरण हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया गया है और इन दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल कर सकते हैं। तो हल करने का तरीका आइए हम लोग देखते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन, तब लिखेंगे दिया गया है कि लिखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। उसके बाद दोनों समीकरण को बच्चों हम लोग उतार देंगे और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण एक, और दूसरा जिसको हम लोग उतारते हैं उसको लिखते हैं समीकरण दो। तो आइए बच्चों, हम लोग देखे हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है इस प्रश्न को। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया गया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दोनों समीकरण को हम लोग लिख देंगे और जिस विधि से हल करना होता उस विधि का चर्चा कर देंगे। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो आइए
बच्चों देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, दोनों में से किसी एक समीकरण को हमको नीचे करना होता है। तो दोनों में से किसी एक समीकरण को नीचे लिखेंगे, अगर दोनों समीकरणों में से जो समीकरण माइनस में अगर होगा तो पहले माइनस वाले को नीचे लाएंगे, अगर दोनों माइनस में होगा तो कोई एक माइनस वाले नीचे लाते हैं, अगर एक माइनस और एक प्लस वाला समीकरण हो तो माइनस वाला को नीचे लाएंगे, अगर दोनों प्लस हो तो किसी एक को नीचे लाते हैं। तो लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से दोनों प्लस में है तो कोई एक समीकरण निकालेंगे, तो लिख देते हैं समीकरण एक से। एक से लिखने के बाद समीकरण एक को हम लोग उतार देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि x लेटर या y लेटर के टर्म को हमको एक तरफ छोड़ देना होता है। जैसे मान लेते हैं x वाले टर्म को छोड़ दिए तो y वाले टर्म जो है दूसरे तरफ यदि इसको भेजते हैं बराबर के दूसरे साइड में, तो बराबर के दूसरे साइड में 5 है और यह अंक प्लस है तो उधर जाकर माइनस करता है दूसरे साइड में। उसके बाद हमारे पास दूसरे एक साइड में बचा है 2x, तो बायां तरफ जो है हम लोग अब एक लेटर का मान निकालते हैं तो आ जाता है 5-3y और 2 जो है गुना में है इधर आता है तो भाग करता है और बन जाता है हमारा समीकरण 3। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि इस दिए गए समीकरण से x लेटर या y लेटर का मान निकालते हैं। तो इसे x लेटर का मान निकाले तो x को छोड़ दिए, e3y को हम दूसरे साइड में भेजे तो 5 प्लस था तो इधर आकर माइनस किया है, तो x का जब मान निकालेंगे तो पहले का मान सेम रहेगा और जो यह 2 हमारा गुना में है या आकर भाग में बन गया, तो हमारा तीसरा समीकरण आ गया। अब देखेंगे बच्चों कि x का मान हमारा जो है वह समीकरण 1 से आया है, इसलिए x के मान को हम लोग समीकरण 2 में डालेंगे। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो आइए बच्चों देखते हैं यदि x चाहे y किसी का मान जिस समीकरण से निकलता उसमें मान नहीं डालते, जैसे x का मान समीकरण 1 से निकला इसलिए 1 में मान नहीं डाल पाएंगे हम लोग, तो x के मान 2 में डालेंगे। तो वही लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जिसमें रखेंगे उस समीकरण को पहले यहां जो है नोट कर देते हैं। समीकरण 2 में डालना है बच्चों, 2 लिख दिए समीकरण, और x का जो मान हमको निकला होगा वह मान इसमें डालेंगे तो 4 का 4 हो जाएगा, x का मान पुट करेंगे तो 5-3y/2 प्लस 5y तो 5y ही रहेगा इक्वल टू 3 होगा। अब क्या करेंगे बच्चों, ऊपर वाले टर्म को हम लोग लिख देते हैं और जो नीचे का 2 है यह दोनों तरफ गुना करता है, एक बार 5y के साथ और एक बार 3 के साथ करेगा। तो ऊपर वाले टर्म को हम लोग नोट कर लिए, फिर तिरछा गुना करेंगे 2×5 हो जाता है 10y इक्वल टू 2×3 6, मतलब जो नीचे होता है वह 2 टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहां 2 जो है दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5×2 10y उसके बाद 2×3 6 हो गया। अब देखते हैं बच्चों 5×20-4×12 +10y इक्वल टू 6 आ गया। अब क्या करते हैं बच्चों, यहां देखते हैं 20 को रहने देते हैं, 12 और 10y में बड़ा टर्म 12 है, जो बड़ा होगा उसका जो चिन्ह होगा वह चिन्ह यहां लिख देते हैं और सीधा घटा देंगे 12 में से 10 गया 2y इक्वल टू 6 आ गया। तो अब बच्चों क्या करेंगे, y को इधर रहने देते हैं हम लोग, 6×6 हो गया और यह अंक जो है अंक को अंक के साथ भेजेंगे तो यह प्लस है तो इधर आकर यह माइनस करता है तो हमारा बच जाता है 2y। और यहां देखते हैं 6 और 20 में बड़ा अंक जो है माइनस में है तो पहले माइनस दे देते हैं, उसके सीधे घटाएंगे तो बच जाता है 14, तो यहां माइनस से माइनस बच्चे कट गए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अब इसका जो हल होगा 2y बराबर हो गया हमारा 14, तो y का यदि मान निकालेंगे तो 14 2 गुना इधर आकर भाग करता है 2 सते 14
14, तो y के मान आ गया बच्चों 7। तो यह जो y का मान आया है, इस मान को अब नए समीकरण में डालकर x का मान निकालेंगे, यही हमारा हल है। तो y का मान नया समीकरण 3 है, तो लिखेंगे अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो 3 में रखते हैं बच्चों, x बराबर है 5 - 3y / 2। तो आ गया बच्चों x का मान आया 5 - 3, y के जगह आ गया मान 7/2। तो बच्चों देखते हैं फाइनल हमारा मान आया x बराबर 5 - 7 = 21/2। अब क्या करते हैं बच्चों, 5 और 21 में बड़ा अंक माइनस में, तो माइनस दे दिए, और माइनस देने का सीधे घटाएंगे, 21 में से 5 गया 16 होता है, और बट्टा 2 के 2 2 8 16 हो गया, तो x का मान बच्चों आ गया मेरे पास -8। तो हम लोग नीचे लिखते, अतः इसी के नीचे लिखेंगे हम लोग, अतः अतः x बराबर -8 तथा y बराबर आ गया मेरे पास 7, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से बच्चों हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को इसी हिसाब से हम लोग हल करेंगे, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बस एक एक करके आप लोग स्टेप वाइज इसको देखिए, समझिए, और इस पर आधारित आपको प्रश्न भी दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक और प्रश्न को इस आधार पर हम बता देंगे, फिर उसके बाद आप लोगों को HW दिया जाएगा। तो देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोगों को हम HW इस तरफ लिख दिए हैं, HW को आप लोग नोट कर लीजिएगा। लेकिन इस HW को नोट करने से पहले पुनः एक और प्रश्न को हम प्रतिस्थापन विधि से आप लोगों को बता देते हैं, और इन दोनों प्रश्नों से समझे गए माध्यम के द्वारा आप इन प्रश्नों को हल करेंगे। बताते हैं एक और प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से बनाकर, जब समझ में आ जाएगा तो आप लोग इनको जो है दिए गए प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से हल करिएगा। देखते हैं, जैसे हमारे पास दिया है समीकरण 7x + 3y = 4, 2x - 3y = 3। इसी तरह का मान लिया जाए, हमारे पास दो समीकरण दिया है, कोई भी दो समीकरण को हल करने के लिए दिया जाए, अगर हम उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग लिखेंगे, दिया गया है कि हमारा जो पहला यहां लिखेंगे, दिया गया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चलिए बच्चों उसके बाद हम लोग जो है क्या करते हैं, इस समीकरण फर्स्ट समीकरण को हम लोग उतार देते हैं, और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण एक। फिर सेकेंड समीकरण को हम लोग लिख देंगे, और उसको लिख देते हैं समीकरण दो। अब देखते हैं बच्चों, इन दोनों समीकरण को हमको हल करना प्रतिस्थापन विधि से, तो यहां लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो आइए बच्चों हम लोग देखेंगे, प्रतिस्थापन विधि लिख दिए, उसके बाद इसमें क्या होता है, दोनों में से किसी एक समीकरण को हम लोग नीचे लाएंगे। अगर क्वेश्चन समीकरण अगर माइनस में हो तो माइनस वाला लाना ज्यादा बेटर है, तो हम लोग माइनस वाला को नीचे लाते हैं, माइनस वाला मेरे पास समीकरण दो है, तो लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण दो से, दो समीकरण उतार देते हैं हम लोग, 2x - 3y = 3। माइनस वाले में क्या करते हैं हम लोग, प्लस वाले टर्म को इधर रहने देंगे, और यह माइनस जो है यह बराबर के दूसरे तरफ जाता है, तो यह प्लस कर जाता है, मतलब 3y माइनस था, बराबर के बाद आया प्लस कर गया। इससे लेटर का मान निकालेंगे, एक्स लेटर का, तो यहां हम चाहते तो एक्स का भी मान निकाल सकते थे, और वाई का भी, किसी एक का मान निकाल सकेंगे। तो एक्स का यहां रहने दिया हम, 3 + 3y 2 गुना, तो इधर आकर भाग करता है 2, और हमारा नया समीकरण बन जाता है 3। तो देखिए बच्चों, एक्स का मान हमारा समीकरण 2 से आया है, इसलिए एक्स के मान को हम लोग समीकरण 1 में डालेंगे। तो लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स के मान को हमको समीकरण 1 में डालना है, तो 1 पर चलेंगे, 7x + 3y = 4।
तो देखते हैं बच्चों क्या करेंगे, सेवन का सेवन डाल देंगे, एक्स का मान समीकरण एक में डालना था, समीकरण एक पहले लिख देंगे फिर मान डालेंगे, सेवन के सेवन एक्स का मान दिया है थ्री प्लस थ्री वाई बाई टू प्लस थ्री वाई का थ्री वाई हो जाएगा इक्वल टू फोर। देखते हैं सेवन के जो ऊपर का टर्म है उसको रहने दिए और जो नीचे का टर्म है थ्री प्लस थ्री वाई के जो नीचे का टर्म है या दो टर्म बट्टा के नीचे जो अंक है और डबल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो दो तिहाई हो जाता है हमारे पास छ इक्वल टू दो में चार से करेंगे दो चौका आठ सात त्री इक्कीस प्लस सात तिहाई सात त्री इक्कीस प्लस सात त्री इक्कीस इसके साथ वाई है प्लस सिक्स वाई इक्वल टू एक आ गया। अब देखते हैं बच्चों कि यहां मेरे पास आता है इक्कीस प्लस इक्कीस और छ हो जाता है सत्ताईस वाई इक्वल टू एक, तो हम लोग वाई को रहने देते हैं इधर, बराबर के बाद जो अंक है अंक को अंक के साथ ले जाते हैं तो यह प्लस है तो बराबर के बाद जाता है तो माइनस करता है तो सत्ताईस वाई बराबर आ गया। आठ और इक्कीस में बड़ा अंक माइनस है तो पहले माइनस डाल के घटाएंगे तो इक्कीस में से आठ घटता है तो बचता है बच्चों ग्यारह में से आठ गया बच्चा तीन तेरह तेरह बचता है तो क्या करेंगे तो y का मान आ गया बच्चों हमारे पास माइनस तेरह इधर गुना में सताईस इधर आकर भाग करता है तो y के मान आ गया माइनस तेरह बट्टा सत्ताईस। तो जैसे ही y का मान आ गया माइनस तेरह बट्टा सताईस तो अब हमको x का मान चाहिए, x का मान आएगा कहां से तो y का मान नया समीकरण में डालेंगे तो y का मान नया समीकरण तीन बना है तो लिखेंगे y का मान समीकरण तीन में रखने पर। तो देखते हैं बच्चों तीन में डालेंगे तो x बराबर हो जाएगा थ्री प्लस थ्री वाई बाई टू तो आ गया x बराबर थ्री प्लस थ्री, y का मान आया है माइनस तेरह बटा सत्ताईस अभागा कितना है टू है तो देखते हैं बच्चों x का मान तीन। अब यहां देखते हैं प्लस इधर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस तेरह तिहाई उनचालीस बट्टा सत्ताईस होल भागा टू हो जाता है तो आ गया एक्स का मान सत्ताईस या ऊपर वाले अंक का बट्टा भर का घटाव करेंगे तो सत्ताईस या इक्यासी और माइनस थर्टी नाइन उसके बाद हो जाता है भागा इसका ऊपर का हो गया सत्ताईस और फिर भागा टू। तो देखते हैं बच्चों अब जो है हमारा लास्ट सॉल्यूशन एक्स बराबर आ गया घटाते हैं इसको तो ग्यारह में से नौ गया बचा दो उसके बाद सात में से तीन गया बचा चार भागा सत्ताईस फिर भागा दो तो एक्स के मान आ गया। अब देखते हैं बच्चों अगर ऊपर वाले टर्म से नीचे वाला कट जाता है तो तीसरा पहले के साथ, अगर नहीं करता है तो तीसरा दूसरा के साथ। तो देखते हैं तीन से ये भी कटेगा चौदह तिहाई बयालीस नौ तिहाई सत्ताईस मतलब पहला से जब दूसरा कटेगा तो तीसरा पहला के साथ जाएगा तो तीसरा टर्म जो है पहले के साथ गुना कर देते बच्चा सताइस नौ तिहाई सताइस चौदह तिहाई बयालीस। तो बच्चों देखते हैं एक्स का मान आ गया चौदह दुना अट्ठाईस बटा नौ तो लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं अतः एक्स बराबर अट्ठाईस बटा नौ और वाई बराबर आ गया माइनस तेरह बटा सत्ताईस। तो यही बच्चों जो है प्रतिस्थापन विधि के आधार पर दूसरे प्रश्न को हम लोग बता दिए। अब जो है इन्हीं दोनों प्रश्न के आधार पर आपको एच डब्ल्यू के तौर पर इतना प्रश्न दिया गया है और आप लोग इन प्रश्नों को इसी आधार पर बना के अगले क्लास में लाइएगा फिर अगले टॉपिक्स के साथ अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे।